वहीं कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी की है। कांग्रेस ने सूची में उत्तर प्रदेश के 3 नेताओं को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। हालांकि यूपी विधानसभा में पार्टी के पास केवल 2 विधायक हैं, प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से आराधना मिश्रा मोना और महाराजगंज जिले की फरेंदा सीट से वीरेंद्र चौधरी विधायक हैं। लेकिन पार्टी ने यूपी के 3 नेताओं के नाम का ऐलान किया है जिन्हें पार्टी राज्यसभा भेजेगी। पार्टी ने राजीव शुक्ला, इमरान प्रतापगढ़ी और प्रमोद तिवारी के नाम का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के घोषित उम्मीदवारों में 2 नेता इमरान प्रतापगढ़ी और प्रमोद तिवारी यूपी के प्रतापगढ़ से हैं, जबकि पहले भी राज्यसभा सांसद रहे राजीव शुक्ला कानपुर से आते हैं। हालांकि पार्टी ने राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ से, इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से और प्रमोद तिवारी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 कांग्रेस की करारी हार हुई थी, तब पार्टी को 403 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर जीत मिली। बीते 45 सालों में कांग्रेस का राज्य में सबसे बुरा प्रदर्शन रहा। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी केवल 7 सीटें मिली थी। हालांकि 2012 विधानसभा चुनाव में पार्टी को 28 सीटों पर जीत मिली थी।